गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक मेथड रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं एक्स की और सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बाइनोमियल इक्वेशन के ऊपर किए जाते हैं। बाइनोमियल इक्वेशन होता है जिसमें हम मैक्सिमम टू वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एक्स और वाई। हम पहले एक बार x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जो दूसरे वाला इक्वेशन है वो सिंगल मोनोनोमियल इक्वेशन में आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, और जो दूसरे वाला इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। तो हम यूज करेंगे पहले इक्वेशन नंबर 1। राइट किया हमने यूजिंग 1। जब हम यूज 1 कर रहे हैं तो हम दोबारा से राइट भी 1 ही करेंगे। अब हमारा जो मेथड है वो लगना स्टार्ट हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से ही पता लगता है कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी इक्वेशन में। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू रेड इस साइड छोड़ दी, y को परली साइड देके गया, तो 14 माइनस वाई हो गया। क्या गया, 14 माइनस वाई। तो इसमें सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ये रहते हैं जो हमने इसे पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ लिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमने क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 मान ली, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकाली, एक्स, एक्स इन 2। हमेशा याद रखना है जब नेक्स्ट जो न्यू वैल्यू आएगी वो दूसरे वाली इक्वेशन में डालें। अगर दूसरे से निकाला तो पहले वाले में, अगर फर्स्ट वाले में पुट करते हो तो इक्वेशन अप्लाई होके बराबर हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 14 इक्वल टू 14। पर हमें ये नहीं करना है, हमें जो थर्ड जो वैल्यू आई एक्स की वो इक्वेशन नंबर 2 में ही डालनी है। अगर हमने यूज 1 की तो हमारे पास आ जाता है 14 माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई इक्वल टू 4। यह आ गया 14 माइनस वाई, जो x की वैल्यू थी उसकी जगह हमने लिखा 14 माइनस वाई, और ये माइनस का y जैसे था वैसे आया इक्वल टू 4। तो माइनस का 2y यहां हो गया और 14 इस साइड को आया, तो माइनस का बचा क्या, माइनस 10, माइनस का 2y, माइनस से माइनस कट गया, 2 वन सा होता है 2, 5 का 10, y की वैल्यू y, that is equation number 4। अब जो 4 आएगी इक्वेशन उसको 3 में पुट कर रहे हैं, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, हमने 3 में डाली तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 9 आई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास इसी के साथ क्वेश्चन ओवर हो गया।